दोस्तों क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में बने सबसे मजबूत स्प्रिंग्स को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया में से कौन सी स्प्रिंग हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बनी स्प्रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन अमेरिका में बनी स्प्रिंग पे पड़ता है तो ये स्प्रिंग पिचकने लगती है और 25 टन का वजन पड़ते ही अमेरिका में बनी स्प्रिंग पूरी तरह से पिचक जाती है। चलिए अब चाइना में बनी स्प्रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं, हालांकि इससे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है। और दोस्तों वही बात हुई, चाइना में बना स्प्रिंग तो सिर्फ 15 टन का वजन पड़ते ही पूरी तरह से पिचक जाता है। चलिए अब हमारे प्यारे देश भारत में बने स्प्रिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों 65 टन का वजन लगाने के बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस से स्प्रिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। 14 अगस्त 2005 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। हीलियोस फ्लाइट 522 ने ज़ाइफ्रन लांका एयरपोर्ट से ग्रीस के इथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाने के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग मौजूद थे, लेकिन इन सब लोगों को कहां पता था कि ये इनकी जिंदगी की आखिरी फ्लाइट होने वाली थी। दरअसल 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा, जिसके मुताबिक प्लेन के काफी सारे कंट्रोल्स एक साथ खराब हो गए। प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। जब इस प्लेन को रेस्क्यू करने के लिए 2 फाइटर जेट्स को भेजा गया, इन फाइटर जेट्स ने प्लेन में जो देखा वो सच में चौंका देने वाला था। प्लेन में को पायलट को छोड़कर सभी लोग डीकम्प्रेशन के चलते मारे जा चुके थे। इसके बाद प्लेन के दोनों इंजिन ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद ये प्लेन ग्रामेटिका की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया, जिसके चलते को पायलट की भी मौत हो गई।